अब देखो मैं इसके अंदर एक H1 क्लास लगाना लिख रहा हूँ। हेलो तो ये कहाँ सो रहा है, तो ये सो रहा है हेलो ग्वाले। अब ये हेलो ग्वाले मुझे बीचों बीच में सो कराना है, ठीक है। कहाँ सो कराना होगा, बीचों बीच में। तो मैंने इसी पे स्पेक किया, मतलब मुझे इमेज के ऊपर कंटेंट लिखना है, ठीक है। इमेज के ऊपर देखो, अब मैंने किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर व्हाइट फॉन्ट साइज फॉन्ट फैमिली ठीक है कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको ऊपर से लेके नीचे आना है। तो अपन क्या लगा लेते हैं, पैडिंग टॉप से नीचे ला लेते हैं, वो खिसका ना हो। ठीक है, और थोड़ा इसके पीछे बॉक्स शैडो लगा देता हूँ, थ्री पिक्सल। चलो ऐसे काम नहीं करेगा, नहीं आते हैं। तो यहां से ये हटा देता हूँ, इतना कॉपी कर लेता हूँ, ये आ गया कंटेंट। इसको और नीचे खिसका लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लास लगाता हूँ नीचे आके डॉट बैनर के अंदर H1 भी लगाती है, ठीक है। सबको ठीक है, इमेज पे कंटेंट लिख के आ गया, सब देख पा रहे हैं, आवाज आ रही मेरी आप लोगों को। इमेज पे कंटेंट आ गया हमारा, है ना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब नीचे एक हेडिंग डालता हूँ, इतना नोट कर लो, बोले ये नोट कर लो आप लोग, इमेज के ऊपर कंटेंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, ये पार्ट मैं बंद कर देता हूं, ये पार्ट ये नोट कर लें आप लोग। पहले बैनर के अंदर क्लास बना लें, मैंने एक बॉर्डर नाम का टिप बनाया, ठीक है। तो दिख रहा होगा एक बॉर्डर नाम का, मैं क्या करने वाला हूँ आप देखो, यहाँ पे आप लोग डॉट बॉर्डर बैकग्राउंड ब्लैक ब्लैक ठीक है, और विड्थ 100%, हाइट दे दी मैंने 60 पिक्सल, ठीक है। आप देखो ये मुझे कहां दिख रहा होगा, बैनर बैकग्राउंड साइज देखो, दिख रहा है सबको कलर वाला ब्लैक कलर। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूं और इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट करूंगा। अब सब देखो यहां पे, मैं इसको ट्रांसपेरेंट करूंगा, यहां से देखो
देखो सबसे पहले मैं इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ। देखो मुझे ये वाला, इस पर क्लिक किया तो मुझे रखना है ये वाला कलर, ये रखना है कलर ये वाला, ठीक है। इसको करना है ट्रांसपेरेंट, तो कैसे करूँगा, इसको ऐसे खिसका दूंगा, देखो ऐसे, ठीक है, इतना खिसका दिया मैंने, देखो इतना। और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा मार्जिन टॉप से माइनस के 20 पिक्सल। देखो मुझे इसको ऊपर लेके जाना है इसके, देख पा रहा है, ट्रांसपेरेंट कैसे किया, पहले मैंने यहाँ पे कलर पे क्लिक किया, कोई सा भी कलर ले दो, कोई से देखो दिख रहा है, कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट कर लो, मैंने मांगा चलो ये सेलेक्ट कर लिया लोगो वाला, ये कलर सेट कर लिया, ये कलर देखो ये। अब इस कलर को मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा ऐसे ऐसे खिसका दूंगा, देखो देखो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, बाकी लोग देख पा रहे हैं ट्रांसपेरेंट, चलो ट्रांसपेरेंट हो गया है ना, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर ले लिया, हल्का से ले लिया, समझ आ गया कैसे ट्रांसपेरेंट कलर करते हैं। इतना मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर, तो ये देखते हैं ये आया कि नहीं आया, देखो आ रहा है इतना बन के। अब मैं थोड़ी क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी इमेज की हाइट बढ़ा देता हूँ, बैनर की थोड़ी 550 कर देता हूँ, या 500 कुछ 40 कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा जी पूरा सही सेट हो जाए। अब तो 30 मैं देखता हूँ सही सेट हो रहा है, हाँ चलो अब ठीक है, सही लग रहा है, देखो है पूरे पा रहा है, लोगो आ गया, इमेज आ गई, ये इमेज पे कंटेंट आ गया, ये ट्रांसपेरेंट आ गया, दिख रहा है। अब पहले ये वाला काम करो, टास्क इसको आप बीच बीच में शो करा लेना, ये लिखा है ना हेलो दिल्ली, दिख रहा है, इसको आप यहाँ बीच पे दिखा लोगे बड़ा सा, बोले या इसके अंदर, ठीक है, इसको आप बीच में, मैं इसमें बताऊँगा उसमें क्या करना है, अभी इसको खाली छोड़ दो, इसमें काम करवाऊंगा मैं अभी, तो इसकी हाइट में थोड़ा और कम कर देता हूँ, 85 कर देता हूँ, हाइट साइड सही हो रहा है, जो वाला पार्ट हो गया, लाइन समझ आ गई। अब नीचे आते हैं, इसके बाद इसमें क्या रखना है बताऊंगा अभी, अब मैं बनाता हूँ एक और सेक्शन, अबाउट सेक्शन, अबाउट बनाने वाले हम लोग के अबाउट सेक्शन, तो यहाँ पे अबाउट, आप लोग ये कमेंट लिख रहे हो साथ में अबाउट, देखो मैंने यहाँ पे लिखा डॉट अबाउट, ठीक है, और मुझे यहाँ इसमें क्या करना है, इसके अंदर लिखना है H2 में या H3 में अबाउट अस, और फिर एक पैराग्राफ लेना है, पैराग्राफ इसी से उठा लेता हूँ, मिल जाए मुझे एक पैराग्राफ लेना है, तो मुझे इसके अंदर रखना है अबाउट के अंदर, वही बंद करना है, ठीक है। ये काम मैंने किसके अंदर किया, अबाउट के अंदर, आप देख सकते हैं ये दिख रहा है यहाँ पे सेक्शन। अब ये मुझे रखना कैसे है ये आप देखो, सेव किया, अबाउट पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखा मैंने बॉर्डर बैकग्राउंड वाइट, फिर पैडिंग दे दी मैंने 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, देखो अबाउट,
दिख रहा है। और यहाँ पे मैं पहले कर देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया। अब मैं थोड़ी इसकी हाइट कम कर देता हूँ स्टेप से, देखो अबाउट पर क्लिक करता हूँ, थोड़ी कम कर देता हूँ टॉप से, टॉप से कितना रखना है उसको देख लेता हूँ, 335 कर लेता हूँ। और लेफ्ट राइट थोड़ा कम करना, मैं थोड़ा कंटेंट कम कर देता हूँ यहाँ से, ज़्यादा कंटेंट दिखाना नहीं मुझे। तो अब देखते हो कितना आ रहा है, टास्क कर दिया। क्या कर दी 150 300, सबको दिख रहा है। यहाँ पे मैं चलता हूँ उसके अंदर, यहाँ 160 कर देता हूँ, और ज़्यादा देता हूँ। इतना ठीक है, ठीक है, डिजाइन समझ में आई सबको जो मैंने किया है, इतना पार्ट क्लियर हुआ जो मैंने लिखा है जी, सिंपल चल रहा है वो पेज बनना है। अब मैं थोड़ा इस अवार्ड पे काम करता हूँ, इस अवार्ड वाले पेज पे, इस अवार्ड पे देखो सब लोग, यहाँ पे अवार्ड पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस अवार्ड का पहले थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट साइज मैंने कर दिया 26, ठीक है। और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस कर दिया, ठीक है, देखो ठीक है, अपर केस कर दिया, कलर दे दिया, मतलब वही दे दिया इससे मैच करके, या ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है ये कलर ले लिया। और थोड़ा मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ 5 pixel, ठीक है, पता है ना मार्जिन बॉटम, इतना पार्ट समझ आया, थोड़ा बॉटम लगा दिया इससे गैप आ जाए ऊपर से थोड़ा नीचे, देख है ना, ये हमने काम किस पे किया, H3 पे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, डॉट अबाउट के अंदर H3, और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है, देखो इतना बन गया। अब काम करते हैं पैराग्राफ पे, देखो पैराग्राफ में क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले देखो सब लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज सही है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी सही है। अब यहाँ पे करते हैं लेटर स्पेसिंग 2 pixel, वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग होती है ना 1 pixel, ठीक है, लेटर स्पेसिंग थोड़ा कम कर देता हूँ, 1 कर देते हैं, ठीक है, देख पा रहे हो सब लोग, फॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ, कोई सा भी कर लो, ठीक है, ये मैंने कर लिया इतना, ठीक है, लेटर स्पेसिंग दे दिए, वर्ड स्पेसिंग दे दिया, क्लियर हुआ इतना। और थोड़ा लाइन हाइट दे देता हूँ, लाइन हाइट देखो, लाइन हाइट तो लाइन हाइट क्या होता है देखो सब लोग,
आइलैंड में किसकी लाइट दे रहा हूँ, लाइट दे रहा हूँ, देख पा रहे हो ना पैराग आपके पीछे, देखो दिख रहा है ना सबको, लाइट किसमें काम कर रहा है। हाँ मैं थोड़ा पैर फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेता हूँ और देख लेता हूँ। बढ़िया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इनकी भी लाइन हट दे दी मैंने, इनके बीच में देखो पैराग्राफ के बीच में थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा पैराग्राफ की थोड़ी स्पेसिंग दे दो, ऊपर ने थोड़ी स्पेसिंग दे दी, ठीक है। इतना बात समझ में आया, बोल भाई, है ना, क्योंकि अभी आगे चल के आप ही काम करना है। इसके बाद एक मैं करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद आप लोग से करवाऊंगा चीजें, ऐसे लगा दी मैंने, ये पार्ट बन गया। देखो इतना देखो, देखो बनते जा रहा है ड्यूनिंग करके इतना पार्ट। अब यहाँ लगाता हूँ बटन, ये लगाया मैंने बटन रीड मोर नाम से, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इस बटन में थोड़ा काम करेंगे, देखो ये बटन आपको दिख रहा है, इस बटन में थोड़ा काम करते हैं। देखो स्पेक्ट किया, अब देखो सबसे पहले तो हम लगाते हैं इस पे बिड्थ, बिड्थ 100 पिक्सल, बटन की बिड्थ बढ़ा रहा हूँ देखो सब लोग। फिर बटन की हाइट, बटन को बड़ा करना है आपके ऊपर है, फिर बटन की हाइट बढ़ा दो, आपको रखनी है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर कलर, कलर मैंने वही रख दिया, कलर सेम इसका वाला, ठीक है। और अंदर का कलर मैंने कर दिया व्हाइट। अब देखो ये ब्लैक ब्लैक बॉर्डर आ रहा है, ब्लैक ब्लैक बॉर्डर ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ, बॉर्डर नन कर दिया मैंने, बॉर्डर हट गया। और थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि बिट बढ़ा दो थोड़ी ना पर, ठीक है। और मैं तो क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ। देखो सब लोग, अब मैं क्या करने वाला हूँ, बॉर्डर रेडियस कर दिया मैंने 10 पिक्सल, ठीक है, दिख रहा है, बॉर्डर रेडियस कर दिया। अब थोड़ा मार्जिन लगा देता हूँ, टॉप से थोड़ा नीचे ले आता हूँ उसको, ठीक है। रेडियस कम करना है तो कम कर सकते हो, बस इतना ठीक है। तो अंदर का फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो फॉन्ट साइज कर दिया 10 पिक्सल, क्लियर। समझ आएगा बटन कैसे बनना है, बाकी लोग देख पा रहे हैं बटन। अब बटन में क्या करता हूं, अब देखो मैं लिखा मैंने डॉट अबाउट के अंदर BU.T बटन, ये पेस्ट कर, बटन के अंदर ये कॉपी किया, यहां पेस्ट कर दिया, नहीं हो क्या, अच्छा तो सिलेक्ट हो गया था ये, यहां से कॉपी कर लिया और बटन के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं जितना हटा के दिखा देता हूँ आपको, बटन बन गया। अब देखो मैं बटन पे जब माउस लेके जाऊंगा तो उसका कलर चेंज होना चाहिए, ठीक है। बटन में जब माउस लेके जाऊंगा तो उसका कलर चेंज होगा, देखो तो मैं लिखता हूँ डॉट अबाउट के अंदर बटन होवर, HOV होवर लगा दिया, लिख दिया बैकग्राउंड येलो, देखना या येलो को बल्दी कर देता हूँ ग्रीन या ब्लैक कर देता हूँ। देखो माउस ले जाने पे कलर चेंज बटन का, बटन में जैसे माउस लेके जा रहा हूँ तो कलर, क्या क्यों लगाया, क्या लगाया मैंने, होवर लगा दिया बटन पर, ठीक है। माउस ले जाने पर कलर चेंज हो गया, समझ में आया इतना पार्ट।
इतना बार समझ आया। देखो देखो धीमी धीमी वेब पेज बनना चालू हो गया, दिख रहा होगा धीमी धीमी वेब पेज बनना चालू हो गया। देखो अब पहले इतना नोट करो,